बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं शिखा स्वरूप आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर सप्ताह हम कुछ नई जानकारियों के साथ आते हैं जिससे आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आपको कुछ नई जानकारियाँ भी मिले। तो आज भी हम कुछ नई जानकारियों के साथ आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। जल संकट से निपटने के लिए बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और भी अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। आज देश के लगभग 255 जिले पानी की कमी का दस्त झेल रहे हैं। इस जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की विलय को जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया है। जल शक्ति मंत्रालय वर्षा जल संचयन, भूभर्ग जल स्तर के सुधार, नदियों के संरक्षण, पेयजल संकट से निपटने, कृषि सिंचाई के लिए अधिक बेहतर उपयोगी इत्यादि के लिए कार्य कर रही है, ताकि आने वाले समय में देश के पानी का संकट झेलना ना पड़े। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक, ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक, ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ में लगाने योग्य होता है। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज एक हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त होता है। सिंचाई निकाय और आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाइक्लोरोपेड नामक दवा 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत, बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी किसी उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। खुशी की बात है कि पूरे देश के साथ हमारे राज्य में भी कोरोना संक्रमण में कमी आई है, साथ ही लॉकडाउन में भी काफ़ी ढील दी गई है। परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, जैसे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ वाली जगह पर ना जाएं और ना ही भीड़ लगाएं। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें। जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लगाए हैं, वे टीका जल्द लगवा लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कृषि समाचार में मौसम के हाल के बारे में, उपकरण के बारे में, तकनीक के बारे में, साथ ही कृषि संबंधित कुछ नई जानकारियाँ भी आपको मिली।
अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीन स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवा कर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांच कर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, अनुसंधान केंद्र में विकसित किस्मों में किसानों की आय में वृद्धि। हमारे बहुत ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो कृषि संबंधित नए नए रिसर्च करते रहते हैं जिससे किसानों की मदद हो सके। तो चलिए इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे और देखते हैं ये फीचर। खेती आधुनिक तरीकों से हो और किसान अधिक से अधिक पैदावार कर अच्छी आमदनी पाए, वैज्ञानिकों की ओर से लगातार इस दिशा में कोशिश हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के
पलांडू केंद्र भी इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इस केंद्र ने अब तक कई नायाब किस्मों की खोज की है। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रमुख डॉक्टर AK सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित जो किस्में हैं उससे हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से लाभ मिल पा रहा है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पलांडू अनुसंधान केंद्र जो है, इससे कौन कौन सी किस्में विकसित की गई हैं? देखिए, जब हम सब्जी के किस्मों की बात करते हैं तो चूँकि हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है और अम्लीय मिट्टी में जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी बड़े पैमाने पे आता है, तो हम लोगों ने यहाँ की जलवायु में खेती करने के लिए सबसे पहले तो टमाटर और बैंगन की जीवाणु मुरझा रोग और अधिक किस्मों का विकास किया है। इसके साथ साथ अगर हम सब्जी फसलों की बात करें तो करीब 10 से 12 प्रमुख जो सब्जी हैं उनमें हम लोगों ने करीब 52 सब्जियों की किस्मों का विकास किया गया है। इसमें टमाटर से लेकर बैंगन, मिर्चा, शिमला मिर्चा, झिंगी, नेनुआ, करेला, लौकी, बूंदी, फ्रांस बीन, सब्जी सोयाबीन, मटर और इन कुछ कम खाई जाने वाली सब्जियां जैसे सेम है, उसका भी विकसित किया। इसलिए 10 से 15 प्रमुख जो सब्जी फसलें हैं उनका किस्मों का विकास हम लोगों ने यहाँ की जलवायु के लिए किया हुआ है। फलदार वृक्ष की बात करें तो फलदार वृक्षों में हम लोगों ने लीची की एक उन्नतशील किस्म का विकास किया है स्वर्ण रूपा करके, और कटहल की दो किस्मों का विकास भी यहाँ से हुआ है। इसमें एक तो सब्जी वाला कटहल है, एक है पक्के जो हम लोग पका खाते हैं जिसका उसको भी है, तो स्वर्ण पूर्ति एक सब्जी वाली अच्छी किस्म है जिसका कि हम लोगों यहाँ की जलवायु के लिए विकास किया हुआ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों के द्वारा जो किस्में विकसित की जाती हैं उसमें जो खासियत होती है वो क्या होती है, जो आम जो किसान लगाते हैं किस्में तो उससे वो किस प्रकार से भिन्न होता है और किस प्रकार से उनको ज़्यादा फायदा मिल पाता है? देखिए, सब्जी की उन्नतशील किस्में, एक तो बीमारी से लड़ने की क्षमता ऐसी किस्मों में है जो हम लोगों ने निकाला है यहाँ से। अगर हम टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर में जीवाणु मुरझा रोग से अवरोधी किस्में जैसे हमारा स्वर्ण लता रेखा, स्वर्ण समूह की किस्में हैं, स्वर्ण संपदा है, स्वर्ण विजया है, ये सब किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। बैंगन में स्वर्ण मनी है, स्वर्ण नेलिमा करके है, स्वर्ण प्रतिभा करके किस्म है, इन किस्मों का विकास हम लोगों ने यहाँ से किया है। इस तरह से दूसरी सब्जी फसलों की बात करें तो मटर में जो हमारा सफ़ेद रंग का भी पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी आती है उससे लड़ने के लिए स्वर्ण अमर और स्वर्ण मुक्ति दो किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। पलांडू कृषि केंद्र ने सोयाबीन की स्वर्ण वसुंधरा किस्म का विकास किया है। इसकी विशेषता है कि यह 15 से 30 जून से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश ना भी हो तो इसकी बुआई की जा सकती है। निनुआ में स्वर्ण प्रभा किस्म का विकास किया है, सेम में स्वर्ण उत्कृष्ट किस्म का विकास किया है, और चूँकि हमारा झारखंड प्रदेश में सिंचाई के साधन बहुत कम हैं इसलिए जब हम सोयाबीन की बात करते हैं तो देश की पहली सब्जी सोयाबीन की किस्म स्वर्ण वसुंधरा का विकास इसी केंद्र से हुआ है। इस किस्म की विशेषता क्या है कि 15 से 30 जून के बीच और या तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में बारिश नहीं हो तो इसकी बुआई की जा सकती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा का अभाव है, सिंचित क्षेत्र नहीं है, चाहे केवल झारखंड ही नहीं दूसरे प्रदेश में भी यहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं, बिना सिंचाई के वर्षा ऋतु में स्वर्ण वसुंधरा की खेती की जा रही है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा इस स्वर्ण वसुंधरा किस्म में है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सी आवश्यक हैं। डॉक्टर AK सिंह कहते हैं कि हमारे केंद्र पर मौसम के हिसाब से 20 या उससे अधिक पौधे भी उपलब्ध रहते हैं। किसान भाई यहां से उचित मूल्य पर इसे खरीद सकते हैं। इसी तरह से अगर लतर वाली सब्जी फसलों की बात करें तो परवल भी एक प्रमुख सब्जी की फसल के रूप में हमारे झारखंड प्रदेश में उभर के आ रही है और 20 वर्षों से करीब ज़्यादा समय यहाँ पर अनुसंधान कार्य हम लोगों ने किया है। करीब हम लोगों ने 100 विभिन्न तरह के परवल के किस्मों पर काम करके 3 उन्नतशील किस्मों का विकास यहाँ से किया है। एक स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण सुरुचि, ये तीनों किस्म के पौधे हम लोग यहाँ बना रहे हैं। और परवल एक ऐसी फसल है जिसमें कि नर और मादा अलग फूलपुष्प जो होते हैं अलग अलग पौधे पर निकलते हैं, इसलिए परवल की उन्नत खेती के लिए
किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम 15-20% नर पौधों को लगाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग पौधों को प्लास्टिक के ट्यूब में बना करके अभी परवल की फसल सितंबर अक्टूबर में करीब करीब फल देना बंद कर देती है, तो उस समय लतर को काट के हम लोग पौधा बनाते हैं। दो गांठ वाली लतर, एक गांठ जो है प्लास्टिक की थैली के अंदर रहती है और एक बाहर। जो गांठ नीचे रहती है उसे जड़ का विकास होता है, जड़ वाला भाग बनता है, जो ऊपर रहता है उसे पत्ती वाला भाग विकसित होता है। तो इस तरह से पौधे हम लोग अक्टूबर नवंबर से पौधे को बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि गर्मा मौसम की फसल है इसलिए इसमें फल और फूल फरवरी से लेकर के सितंबर अक्टूबर के बीच में ही रहता है। नवंबर दिसंबर के महीने में पौधा सुषुप्ता अवस्था में रहता है और फल फूल नहीं आते हैं। इस सेम की बात अगर हम करते हैं तो सेम भी एक प्रमुख दलहनी सब्जी की फसल है और हम लोगों ने स्वर्ण उत्कृष्ट एक ऐसी किस्म यहाँ से विकसित की है जो कि किसान भाई पूरे साल इसकी खेती कर सकते हैं। तापक्रम का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, बड़ी उन्नतशील किस्म है। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज इसमें मिलती है। फ्रांस बीन की बात करें, ये भी एक प्रमुख दलहनी सब्जियों की फसल है। फ्रांस बीन के भी हमारे पास स्वर्णलता एक जो कि सहारा देके चढ़ाने वाली किस्म है, उसका विकास हम लोगों ने किया है। और एक बौनी किस्म का भी जो झाड़ीदार है उसका भी विकास हम लोगों ने किया है। स्वर्ण बोदी में भी किस्मों उन्नत किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। इस तरह से देखेंगे 10 से 15 सब्जियों के बीच में हम लोग उन्नत किस्में निकाली हैं और जो भी किस्में हम लोगों ने विकसित किया है वो इसी हमारे झारखंड की जलवायु के हिसाब से खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी है। साथ साथ उनका परीक्षण हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी किया है और बहुत सारी किस्में दूसरे प्रदेश में भी अच्छा काम कर रही हैं। और बहुत सारे किसान भाई जो हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारे इस केंद्र से बीज को ले जा करके सब्जी फसलों की खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा ये फीचर के द्वारा कि कैसे आप नई तकनीक से उन्नत खेती कर सकते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो हमारी दूसरी जानकारी है, खरीफ मौसम में मिर्ची की खेती। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिर्ची बहुत ही उपयोगी फसल है और इसे खाने के इस्तेमाल में, अचार बनाने के इस्तेमाल में किया जाता है। और मिर्ची रवि और खरीफ दोनों मौसम में किया जाता है। तो खरीफ मौसम में कैसे इसकी खेती अच्छे तरीके से करें, हम लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक श्री धनंजय कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खरीफ मौसम में मिर्च की खेती किस प्रकार से की जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में अगर मिर्च की खेती की करना हो हमारे किसान भाइयों को, तो कैसे वो इसकी खेती की शुरुआत करें। किसान भाइयों, झारखंड के परिपेक्ष में क्या है कि खरीफ मौसम में ही जो मुख्य फसल हम मिर्च का लगाते हैं वो उपयुक्त होता है, क्योंकि उसके बाद जो है ज़्यादा अगर विलंब करेंगे तो ठंड के कारण हमारा पौधा का विकास नहीं होता, बढ़वार नहीं होता। और जब पौधा का विकास और बढ़वार नहीं होगा तो उपज हमको कम होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप मिर्च का बीज का बुआई जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम जुलाई तक, उसके बाद मिर्च का बीज का बुआई नहीं करें, अंतिम जुलाई तक किसी भी हालत में अगर आपको मिर्च लगाना है, खरीफ मौसम का मिर्च लगाना है जिससे उत्पादन आपको ज़्यादा चाहिए, तो अंतिम जुलाई तक जो है आप उस मिर्च का बीज बुआई कर दें जिससे आपको उपयुक्त लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये तो आपने समय की अंत बात की। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय में कौन कौन सा किस्म लगाना बेहतर होगा और कैसे लगाएं हमारे किसान भाई, खेतों की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से मिर्च की खेती करें। किसान भाइयों, पहले हम लोग खेत पर ही बात करते हैं क्योंकि बरसात के दिन में है। बरसात में होता क्या है कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। उसका कारण है कि हम अगर सोच रहे हैं कि हम खेत का तैयारी अगला सप्ताह करेंगे, अगर बारिश जो है मानसून आया हुआ बारिश अगर कंटिन्यू हो गया तो हमारा खेत की तैयारी नहीं हो पाता है। तो हमारा सुझाव रहेगा कि पहले जो है आप बीज लगाने से, बिचड़ा तैयार करने से पहले जो है खेत की तैयारी कर लें। बरसात के दिनों में आपको खेत की तैयारी भी एक बहुत ही मतलब मुश्किल काम है सब्जी के फसल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको नमी कम चाहिए, नमी कम होगा तभी आपको जुताई होगा। दूसरा है कि जो धान वाले किसान हैं उनके लिए नमी ज़्यादा चाहिए, पानी भरपूर चाहिए, तो चाहते हैं कि धान वाले किसान का इच्छा रहता है कि हमेशा बारिश होते रहे। सब्जी वाले किसान का
इच्छा रहता है कि सप्ताह में एक आध बार पानी हो जो हमारा मौसम खुला भी मिले और बारिश भी होता रहे। तो इसलिए पहला सुझाव है कि आप खेत की तैयारी कर ले। खेत की तैयारी करने के बाद जो है खूब अच्छी तरह से जुताई कर ले। अगर मिट्टी पलट हल आपके पास है तो मिट्टी पलट हल से उसका जुताई कर दे। उसके साथ साथ जो है आप खेत में जो है चूना जो है 2 किलो प्रति डेसीमीटर और 1 किलो करंज खली या नीम खली जो उपलब्ध हो आपके में उसको जो है डाल करके अच्छी तरह से जुताई कर ले। रासायनिक खाद की मात्रा का जहाँ तक बात है तो आप जो है पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले, उसके बाद ही अनुशंसित मात्रा में जो है रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप नहीं करवाए हैं तो मोटा मोटी जो है 750 ग्राम DAP और 500 ग्राम पोटास जो है आप खेत तैयार करते समय अंतिम जुताई के समय उसमें डाल करके जुताई कर सकते हैं, या जब आप मेड़ बनाएंगे जो लाइन से लाइन की दूरी बनाएंगे, या टपक सिंचाई वाले किसान जो हैं जो जब बेड बनाएंगे तो उस बेड के ऊपर भी जो है रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाई, अब रही बात कि जब हम खेत तैयार कर लिए, मेड़ बना लिए या बेड बना लिए, उसके बाद जो है बीज का चुनाव, क्योंकि कौन सा किस्म जो है हमारे झारखंड के मिट्टी के लिए, झारखंड के जलवायु के लिए उपयुक्त है। उसमें जो है हमारे केंद्र से जो है स्वर्ण परफुल्या करके देसी किस्म विकसित किया गया है, वो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, उसका काशी अनमोल K2 करके जो है वो भी मिर्च जो है देसी किस्म में बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है, और उसके साथ साथ किसान भाई कुछ निजी संस्थाओं का जैसे कि BNR का, वेलकम सीड्स का, सिंजेंटा का, सेमनिस का, जो भी किसान भाई अपने क्षेत्र में उस तरह का अगर निजी संस्था का किसी किस्म का प्रयोग किए हैं और उसका उत्पादन अच्छा हो रहा है, उसमें रोग का प्रकोप कम है, कीट का प्रकोप कम है, तो उसका भी जो है वो बीज बुवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रयास करें कि प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में मिट्टी रहित कोकोपीट और केचुआ खाद का मिश्रण तैयार करके प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में जो है उसका बिचड़ा तैयार करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको बीज कम लगता है, बीज का लागत कम होता है, पौधा जो है स्वस्थ तैयार होता है। और उस तरह के पौधा को आप जब खेत में रोपाई करेंगे तो उसमें जो है रोपाई करने के बाद जो है होता क्या है कि तेज़ बारिश, जैसे बारिश के दिनों में तेज़ बारिश जब होता है, अगर आप शाम का बिचड़ा का रोपाई किए हैं और बारिश बहुत ज़्यादा हो गया है तो आधा से ज़्यादा बिचड़ा जो है सड़ जाता है, गल जाता है। इस उससे बचाव के लिए जो है अगर आप प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो उस तरह के बिचड़ा को आप अगर रोपाई करेंगे तो कितना भी तेज़ बारिश होगा आपका पौधा जो है 100 में 99 पौधा ज़रूर खड़ा रहेगा, जिंदा रहेगा। उसके अलावा प्रो ट्रे में बिचड़ा तैयार करने से क्या होता है कि 1 महीना तक आपको जो है बिचड़ा में जो मिट्टी से होने वाले बीमारी जो पैदा होता है वह बीमारी आपको बिचड़ा में नहीं होगा। उसके साथ साथ जो है जब हम रोपाई करने के बाद जब तुड़ाई प्रारंभ होता है तो करीब करीब तुड़ाई सभी पौधे में एक साथ होता है, और पारंपरिक ढंग से जो आप बिचड़ा तैयार करते हैं और ये प्रो ट्रे में जो बिचड़ा आप तैयार करेंगे उसमें 8 से 10 दिन पहले आपका तुड़ाई प्रारंभ हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कि हम लगावें, उसके बाद खेत में क्या ध्यान रखें, तो जब हम रोपाई कर लेते हैं तो पहला तो है कि कीट से बचाव के लिए जो है आपको मिर्च में 2 तरह का कीट सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को परेशान करता है। अभी भी जिस किसान भाई के खेत में मिर्च लगा हुआ होगा तो उसमें पत्ती मुड़ना, एक पत्ती ऊपर की ओर मुड़ जाता है, एक पत्ती नीचे की ओर मुड़ जाता है। जब पत्ती ऊपर की ओर मुड़ जाए तो उसको आप मान के चले कि इसमें थ्रिप्स नामक कीट है, और थ्रिप्स नामक कीट के नियंत्रण के लिए जो है लेंसर गोल्ड नामक दवा 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण होगा। अगर पत्ती नीचे की ओर मुड़ा हुआ है तो माइट नामक कीड़ा है, और उसके नियंत्रण के लिए जो है ओबिरॉन या ओमाइट नामक दवा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से नियंत्रण होगा। उसके साथ साथ किसान भाई आप नीम आधारित दवा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। एक और सुझाव है कि अपने खेत में जो है क्रॉप गार्ड, जो पीला और नीला रंग का प्लास्टिक, जैसे ही आप फसल का रोपाई करते हैं, पौधा को रोपाई करते हैं, उसी समय से 1 एकड़ खेत में 50 प्लास्टिक
25 पीले रंग के, 50 नीले रंग का, जिसमें कि गम लगा हुआ लगाया जाता है। क्रॉप गार्ड जो है नोयू सीड्स कंपनी का है, करीब 850 से 900 रुपये में एक सेट आपको एक एकड़ के लिए मिलता है। अगर आप उसको लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कीट जो है, वयस्क कीट जो है, वह पीले रंग के और नीले रंग के प्लास्टिक में चिपक जाएगा और बिल्कुल जाएगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से खरीफ मौसम में आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। आपको जो विशेषज्ञ साहब ने जो जानकारी दी, निश्चित रूप से लाभ मिल पाएगा और आप बेहतर मिर्च का खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। आपने जो जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहन, मिर्ची की खेती कर आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई नई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई नई जानकारी लेनी है तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी कारण आप हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन नहीं देखे हैं तो आप इसे फेसबुक, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ हमें शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।